हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्यावरण सम्मेलन। तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी पर्यावरण संरक्षण को लेके जितने भी सम्मेलन हुए हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि जो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वव्यापी स्तर पर जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सम्मेलन किया गया था उसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में आयोजित किया गया था 5 जून से 16 जून के बीच में, और जो इसका ईयर है वो है 1972। तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन है वो 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, और इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो पर्यावरण में जितने भी प्रॉब्लम्स है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी देशों को एक होकर कार्य करना चाहिए, उसके संरक्षण के उपाय करने चाहिए। तो इसमें 26 सिद्धांत थे और उसमें इस सिद्धांत को सर्वमान्य माना गया जिसको कि हम जानते हैं एक ही धरती, मतलब सारे विश्व को एक ही नजरिए से देखना, एक ही पर्यावरण है उसको किसी भी तरह से संरक्षित करने के उपाय किया जाना। तो इसके जो 26 सिद्धांत थे उसमें से 2 सिद्धांत बहुत ही ज्यादा प्रमुख है। इसमें पहला ये कहा गया कि हमको प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए, मतलब प्रत्येक विश्व को आगे आकर एक दिन हमें पर्यावरण को देना चाहिए। तो इसी के बाद से स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से 5 जून 1974 से प्रत्येक वर्ष हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो इसका सेकेंड था, स्टॉकहोम सम्मेलन में ये भी कहा गया कि हमें दूसरी बार भी वर्ल्ड लेवल पे हमें एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए पर्यावरण को लेके। तो सेकेंड यूनाइटेड नेशन मानवीय सम्मेलन हमें आगे भी करना चाहिए। इसका जो 2 सिद्धांत है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस सम्मेलन में एक और टर्म आ जाता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जो ये आया है वो स्टॉकहोम सम्मेलन से ही आया है, और इसका जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में, केन्या में। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके आगे। अब तो ये था 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण को लेके। अब हम आगे बात करते हैं ब्रटलैंड रिपोर्ट की, जो कि ये भी इंटरनेशनल लेवल पे था। अब इस रिपोर्ट को हम कैसे देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पर्यावरण को संरक्षित करने में इस रिपोर्ट की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है किस तरह से। 1983 में संयुक्त राष्ट्र ने एक आयोग को गठित किया, और उस आयोग के जो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, वो नाइजीरिया की जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रटलैंड थे, उसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और उस आयोग ने क्या किया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसकी अध्यक्षता नाइजीरिया के प्राइम मिनिस्टर ब्रटलैंड ने की, इसीलिए इस रिपोर्ट को ब्रटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है, जो कि 1987 में प्रस्तावित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1989 में इसको पूरी तरह से पारित किया गया। और इसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ बहुत से कारणों से आकर्षित किया, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय विकास, वो यहीं से आया है, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अलग ही तरीका बता दिया, एक अलग ही इम्पोर्टेंस दे दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि हम पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक सुझाव दिया था, जैसे हमारा साझा भविष्य, आर कॉमन फ्यूचर, मतलब हमें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको साथ में आना पड़ेगा। और दूसरा इन्होंने बोला था कि हमें 1992 में एक और सम्मेलन करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जो कि ब्राजील में होना चाहिए। तो जो 1992 में ब्राजील में एक सम्मेलन होना चाहिए वो भी ब्रटलैंड रिपोर्ट की सिफारिशों पे ही कहा गया था। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है,
उसका डेफिनेशन यही होता है कि हमें चीजें लिमिट में यूज करनी चाहिए, जैसे जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनको उपयोग कर सके, उनका उपभोग अच्छे से कर सके और वो जो भी चीजें हम उपयोग कर रहे हैं वो सेफ भी रहे और सुरक्षित भी रहे। फिर बटलर रिपोर्ट के सिफारिशों पे 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ब्रटलैंड रिपोर्ट की वजह से बहुत सारे देश इसकी तरफ आकर्षित हुए और उनका ध्यान पर्यावरण की समस्याओं पर गया कि हमें पर्यावरण को सच में संरक्षित करना चाहिए और उसके उपायों को ढूंढना चाहिए। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 182 देशों ने हिस्सा लिया था। ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था और जो ये आयोजित किया गया था 3 जून से 14 जून के बीच में किया गया था। दस्तावेज और 3 डायमेंशन को महत्व दिया गया, उसमें से जो 2 दस्तावेज थे उसमें था एजेंडा 21 और दूसरा था रियो घोषणा। रियो घोषणा में 27 सिद्धांत थे। तो सबसे पहले हम एजेंडा 21 पढ़ लेते हैं। तो जो एजेंडा 21 था उसमें 21 विषय ऐसे दिए गए थे जिस पर हमें ध्यान देना था पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को सुधार करने के लिए। तो इसमें 2-3 चीजों को हम देख लेते हैं, जैसे था गरीबी को ध्यान में रख के, स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रख के और प्रौद्योगिकी, ये 2-3 चीजें थी। इसी तरह 21 विषय ऐसे थे जिस पर हमें ध्यान देना था, यही था एजेंडा 21। फिर हम आते हैं रियो घोषणा पे। रियो घोषणा उसमें 27 सिद्धांत थे। इसमें था कि पर्यावरण और उसकी स्थायित्व क्षमता का विकास करना, मतलब पर्यावरण का हमें संरक्षण तो करना है लेकिन उसको स्थायी भी रखना है कि पर्यावरण में कोई भी ज्यादा चेंजमेंट या तो कोई खराबी ना हो, उसका ध्यान देकर ही हमें उसका संरक्षण करना है। ये 2 दस्तावेजों के बाद हम पढ़ते हैं जो इसमें 3 कन्वेंशन दिए गए थे। 3 कन्वेंशन जो कि पृथ्वी सम्मेलन में थे उसको हम पढ़ते हैं। पहला जो कन्वेंशन था वो था UNFCCC, जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष जितने भी इसके मेंबर देश है, जितनी भी कंट्रीज है, उसको इसमें पार्टीज कहा जाता था, पार्टीज कि अगर जो भी कंट्री इस पे साइन करती थी UNFCCC पे, उस कंट्री को पार्टी मेंबर कहा जाता था। इसका हेडक्वार्टर बना गया था जेनेवा में और इस पर जो 1992 में हस्ताक्षर नहीं किया गया था, 1992 में केवल ये 3 कन्वेंशन बताए गए थे और इस पे जो हस्ताक्षर किया गया था वो 1994 में किया गया था। और जितने भी कंट्रीज ने इस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किए गए थे उनसे ये कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष ये सारी जितनी भी कंट्रीज हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी, मतलब सारी कंट्रीज इकट्ठा होंगी, तो जिसे नाम दिया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मतलब UNFCCC पे जितने भी कंट्रीज ने हस्ताक्षर किए उनका कॉन्फ्रेंस होगा, उन्हें पार्टीज कहा जाता है। तो इसको कहा गया कि प्रत्येक वर्ष ये कॉन्फ्रेंस होना चाहिए एनवायरमेंट को लेके, तो इसे ही कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो जो पहली बार हुआ था जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं कॉप, तो पहली बार में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पहली बार हुआ था वो बर्लिन में हुआ था, जर्मनी के बर्लिन में हुआ था 1995 में। दूसरी बार जो हुआ था उसका हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2-3 पढ़ेंगे जो कि हमें मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको पढ़ना है। जो COP3 है उसको हम आपको पता है कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए है, ग्रीन हाउस गैसेस को का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में। इसी को COP3 भी कहते हैं, इसी के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको कि हम Rio+5 के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करते हैं COP25 की, मतलब 25वीं बार जो हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, ये हुआ था मैड्रिड स्पेन में। अभी ये हुआ है 2019 में। 2020 वाला जो 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो होने वाला था UK में नवंबर में, लेकिन कोरोना वायरस के चलते
अब वो पोस्टपोन कर दिया गया है, अभी उसकी डेट नहीं आई है कि वो कब होगा। ठीक है, ये तो पहला कन्वेंशन था। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं जैव विविधता संरक्षण, जिसपे की सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता के संरक्षण के लिए 193 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। तो और जो तीसरा जो कन्वेंशन था, अब हम पढ़ेंगे Rio+10। जो Rio+10 था वो 2002 में हुआ था, 10 साल बाद 1992 में, हमें पता है 1992 में अर्थ सम्मिट हुआ था ये रियो डी जेनेरियो में। तो इसके 10 वर्ष बाद जो रियो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था जोहान्सबर्ग में, जो कि साउथ अफ्रीका में है। और जो इसका सब्जेक्ट था वो था सतत विकास या धारणी विकास को लेकर था। कहीं न कहीं ये मरुस्थलीकरण संरक्षण को लेकर था। जो तीन कन्वेंशन था उसमें से मरुस्थलीकरण संरक्षण का जो कन्वेंशन था उसके तहत। फिर उसके बाद हम बात करते हैं Rio+20। ठीक है, अब हमें पता है कि 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, पहली बार रियो में हुआ था सम्मेलन। तो इसमें 20 साल ऐड कर देंगे तो 2012, तो जो Rio+20 हुआ था वो हुआ था ब्राजील में। फिर वहीं पे हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इसका जो सब्जेक्ट था वो था जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो डायवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु में बहुत ही ज्यादा डायवर्सिटी होती है, उसको सेव करने के लिए ये Rio+20 का 2012 का कॉन्फ्रेंस हुआ था जैव विविधता को लेकर। तो ये सारे सम्मेलन जो अभी थे ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे थे। और हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी एक्ट हैं। तब तक के